आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। चंदन क्यारी सुभाष चौक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल 2020 के समर्थन में एवं झारखंड में किसानों की उपज न खरीदने के खिलाफ हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मौके पर भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां मौके पर उपस्थित चंदन क्यारी विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल 2020 का समर्थन पूरे देश के लोग कर रहे, जबकि झारखंड के वर्तमान सरकार किसान हित का सिर्फ ढोंग दिखा रहे हैं। सच्चाई यह है कि झारखंड के किसान अपनी उपज धान को बेचने के लिए बिचौलिया का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ एक भी धान क्रय केंद्र नहीं है, सिर्फ कागजी कलम एवं किसानों को दिग्भ्रमित करने की बात यह सरकार कर रही है। आज झारखंड के किसान का उपज बंगाल के बिचौलिया औने पौने दाम पर खरीद कर ले जा रहे हैं, जिससे हमारे अन्नदाता किसान कंगाल एवं बंगाल के बिचौलिया मालामाल हो रहे हैं। इस अवसर पर अनुकूल चंद्र झा, गोपाल दास, पन्ना लाल दे, महावीर महाता, फटीक दास, जगन्नाथ महाता, सुको मलपाल, अजीत धर, धानु महाता, मानिक घटक, मेघर बावरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। चंदन क्यारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हेमंत सरकार कृषि बिल का विरोध कर रहा है, जबकि पूरे भारतवर्ष में किसानों ने उसका समर्थन किया है और झारखंड के किसानों का हक को यहाँ झारखंड सरकार छीन रहा है, हेमंत सरकार छीन रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि यहाँ किसान का धान अगर नहीं लेता है तो हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक साथ एक मंच में सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हेमंत सोरेन होशियार हो जाए। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद।